नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक लेके आए हैं। तो 1.5 साल से 2.5 साल की बेबी में आराम से फिट हो जाएगा। इसे मैं 3 पार्ट में अपलोड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में नीचे का ये बॉर्डर रहेगा, सेकंड पार्ट में बीच का हिस्सा और थर्ड पार्ट में गला। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। सबसे पहले हम ऊन को ट्रिपल फोल्ड करेंगे। ये 2 हुआ, और एक फोल्ड और कर लेंगे तो ये हुआ ट्रिपल। तो हम सबसे पहले ऊन को ट्रिपल फोल्ड कर लेंगे और 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे। अब ये एक फंदा बन गया। अब ट्रिपल फोल्ड वाले सिरे को हम दाहिने हाथ में लेंगे और सिंगल वाले को बाएं हाथ में। और देखिए हम इसमें डिजाइनर फंदे डालना शुरू करेंगे। इस तरह कुल हम 123 फंदे 123 फंदे स्टिचेस डालेंगे। तो मैं 123 स्टिचेस डाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर की सिलाई पे मैंने 123 फंदे डाल लिए। और अब सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो हमने पहली लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लिए। और अब ये दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो दूसरी लाइन में भी हम सभी फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। तो उल्टा बुनते हुए हमने दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिया। तीसरे लाइन से हम इस डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन 20 के मल्टीपल फंदों में है, 6 डिजाइन पड़ेगा, यानी कि 120 फंदे हो गए। और 2 फंदे एच के लिए और 1 फंदा डिजाइन को बैलेंस करने के लिए, तो हो गए 120 और 3 फंदे एक्स्ट्रा, टोटल 123। तो इसमें हम 6 डिजाइन डालेंगे। बीच में 5 डिजाइन रहेगा और आधा आधा डिजाइन, हाफ हाफ डिजाइन दोनों साइड में रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि डिजाइन कैसे बनेगा। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। फिर 6 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 फंदे हमने उल्टा बुन लिए। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और 2 फंदा सीधा, 1, 2। तो ये हमारा हाफ डिजाइन हो गया। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उनको अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा, 1। फिर अगला फंदा सीधा, 2। अब उनको अपनी ओर करेंगे, 6 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 फंदा उल्टा बुनने के बाद 3 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का एक कर लेंगे। फिर 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4,
पांच, छः। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा। अब फिर हम ऊन को अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए एक फंदा सीधा और नेक्स्ट फंदा सीधा, यानी जाली देते हुए दो फंदा सीधा। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, छह फंदा उल्टा बुनेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर छह फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर अगले दो फंदे जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर छह फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर छह फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर जाली देते हुए एक फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर और जाली देते हुए दो फंदे सीधे, फिर उन अपनी ओर छह फंदा उल्टा। फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक, फिर छह फंदा उल्टा। फिर उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर अगले दो फंदे जाली देते हुए सीधा, उन अपनी ओर छह फंदा उल्टा। फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर छह फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर अगले दो फंदे जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर छह फंदा उल्टा। फिर दो फंदा एक साथ लेके दो का एक करेंगे और फिर लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे डिज़ाइन का ये बेस तैयार हो गया है। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। पिछली लाइन में हमने छह फंदे उल्टे बुने थे, अब कि यहाँ पे दो फंदे का एक करने से एक फंदा घट गया, यानी पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। ऊन अब दूसरी ओर, दो फंदा सीधा। तो ये हो गया हाफ डिज़ाइन, ये हो गया। अब यहाँ पे दो डिज़ाइन के बीच का ये डिज़ाइन है। तो इस फंदे के दोनों तरफ जाली देने से यहाँ पे तीन फंदे हो गए हैं, तो तीन फंदा जाली देते हुए तीन फंदा सीधा। अब उन्हें अपनी ओर करेंगे। अब देखिए दो फंदे सीधे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, यानी जाली देते हुए सीधा। पिछली लाइन में यहाँ पे हमने छह फंदे उल्टे बुने थे, अब कि यहाँ पे हम पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे इधर पांच फंदे रह गए हैं, तो पांच फंदे उल्टे। फिर दो उन दूसरी ओर दो फंदे सीधे। अब देखिए ये दो कोन के बीच का ये डिज़ाइन है। पिछली बार यहाँ पे
एक फंदा था, दोनों ओर जाली बनने से यहाँ पे तीन फंदे हो गए हैं, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए तीन फंदा सीधा बुन लेंगे। अब फिर ऊन अपनी ओर जाली देते हुए दो फंदा सीधा। ये देखिए यहाँ से हमारा अब दूसरा कोण, ये हाफ कोण हुआ, ये एक कोण बना, अब यहाँ से ये दूसरा कोण बनना शुरू हो गया। तो ऊन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए तीन का एक, एक फंदा घट गया तो अब ये छह से पांच फंदे हो गए, पांच फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर अब जाली देते हुए तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, उन अपनी ओर फिर जाली देते हुए दो फंदा सीधा, 19 फंदे का ये कोण है, अब तीन फंदे तीन का एक करने से यहाँ पे साइड में छह फंदे थे, अब रह गए पांच पांच फंदे, पांच फंदे उल्टा, और दो फंदा सीधा। अब देखिए दो कोण के बीच में यहाँ पे एक फंदा था, अब दोनों ओर से जाली पड़ने से यहाँ पे तीन फंदे हो गए, तो ऊन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए तीन फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए दो फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, पहले हमने यहाँ पे छह फंदा उल्टा बुना था, अब की पांच फंदे उल्टे रहेंगे, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर पांच फंदे उल्टे, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर और जाली देते हुए तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर उन अपनी ओर और जाली देते हुए दो फंदे सीधे, पांच फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर पांच फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर जाली देते हुए तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर, अब ये लास्ट का हाफ कोण है तो दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर पांच फंदे उल्टे, ये साइड में है तो यहाँ पे सिर्फ हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, और बीच वाले में यहाँ पे दोनों साइड से फंदे घटाने हैं तो यहाँ पे हम तीन फंदे का एक कर रहे हैं, चूंकि ये साइड का है तो यहाँ पे सिर्फ दो फंदे का एक, और लास्ट फंदा है जिस स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे, हर रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। डिजाइन का पांचवा लाइन और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, फिर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा। तो ये हमारा हाफ डिजाइन हुआ। देखिए यहाँ पे छह फंदा उल्टा था, फिर एक फंदा घट गया, पांच फंदा उल्टा हुआ, फिर हमने दो का एक किया तो यहाँ पे चार फंदा उल्टा रह गया।
और देखिए यहाँ पे हमारा एक फंदा सीधा था, दोनों ओर जाले बढ़ने से अब यहाँ पे पांच फंदे सीधे हो गए हैं। तो ऊन अपनी ओर करेंगे, पांच फंदा जाले देते हुए सीधा बनाएंगे। अब ऊन अपनी ओर, अब यहाँ से हमारा दूसरा डिजाइन शुरू होता है। तो दो फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर चार फंदे उल्टे, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा। ये देखिए ये हमारा एक कोण हुआ, नीचे छह फंदे उल्टे थे, फिर पांच, फिर चार, और फिर ये होते हुए हमेशा हर सीधी लाइन में यहाँ पे तीन का एक होगा, तो एक फंदे दोनों साइड से एक एक फंदे घट जाएंगे। देखिए पहले छह था, फिर पांच, फिर अब की चार हुआ है, फिर तीन दो एक होगा। और यहाँ पे हमने एक फंदे से शुरू किया था, दो जाली बढ़ने से दो जाली इस साइड में बढ़ाया, दो जाली इस साइड में बढ़ाया, तो देखिए पांच फंदे सीधे हो गए हैं। फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, यानी अब की यहाँ पे सात फंदे हो जाएंगे, यानी हर सीधी लाइन में यहाँ पे जाली पड़ने से दो फंदे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे तीन का एक करने से दो फंदे घट रहे हैं। तो छः पांच चार हुआ है, फिर तीन दो एक यहाँ पे घटता जाएगा और यहाँ पे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो मैं इतना कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 12 लाइन कंप्लीट कर लिया है, ये 6 5 4 3 2 और ये एक फंदा रह गया है। तो अब ये 13वां लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, फिर ऊन दूसरी ओर, दो फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे छह जाली हुए हैं और अब ये सातवां जाली पड़ने जा रहा है। तो ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली से जाली तक सभी फंदे सीधे बुन लेंगे, जाली देते हुए सभी फंदे सीधे। तो हमने जाली देते हुए 13 फंदों को सीधा बुन लिया। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए दो फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 से घटते हुए फंदे अब एक रह गए हैं और ये बीच वाला फंदा यानी तीन फंदे अब शेष रह गए हैं। तो अब ऊन अपनी ओर करेंगे, तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए तीन का एक कर देंगे, ऊन दूसरी ओर, दो फंदे सीधे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा त्रिकोण है, ये ट्रायंगल है, अब ये यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पे एक फंदे से ये हो गए 15 फंदे। तो ये एक फंदे से सात जाली इधर पड़ा, सात जाली इधर, तो 14 जो हो गया और एक फंदा ये, यानी यहाँ पे 15 फंदे रह गए और ये 6 से होता हुआ सारे फंदे क्लोज हो गए। देखिए यहाँ पे तीन फंदे बीच में थे और साइड साइड में 6-6 फंदे और ये क्लोज हो गए, सारे फंदे क्लोज हो गए और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इसी तरह हम सारे कोण बना लेंगे, यानी ये जो तीन तीन फंदे हैं इन तीनों को घटा के तीन का एक कर लेंगे। अब जाली देते हुए, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ डिजाइन, तो अब जाली देते हुए 13 फंदे सीधे बुनेंगे। तेरह फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इस साइड में हमको सातवां जाली डालना है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे। देखिए ये तिकोने के दोनों तरफ दो सीधे फंदे हैं, तो इन सीधे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे सभी फंदे घट गए हैं, लास्ट में बस तीन फंदे बचे हैं,
तो ऊन अपनी ओर करेंगे और इन तीनों को अब एक साथ लेते हुए तीन का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए, ऊन दूसरी ओर, दो फंदे सीधे। तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम फिर राइट साइड में हैं, तो अपने प्राइमरी कलर के ऊन से, और अब हम सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और यहाँ पे हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और सेकेंडरी कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो लाइन पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो उल्टा बुनते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम सामने की तरफ हैं, तो इस लाइन को भी हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दो लाइन सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा उल्टा बुना, जिससे उल्टे फंदे की एक धारी यहाँ आ गई। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और अपने प्राइमरी कलर के ऊन से दो लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे, जिससे एक उल्टे फंदे की धारी आ जाए। तो दो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्राइमरी कलर के ऊन से दो लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें प्राइमरी कलर के ऊन का काम नहीं है, तो हम इसे काट देंगे और फिर गांठ लगा देंगे। अब हम अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम अब सामने की तरफ आ गए हैं और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। शेष अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।